अर्जुन के द्वारा त्रिगर्तों की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो त्रिगर्त वीर मारे गए थे, उनके महारथी पुत्रों और पौत्रों ने अर्जुन के साथ वैर बांध लिया था। त्रिगर्त देश में जाने पर अर्जुन का उनके साथ घोर संग्राम हुआ। पांडवों का यज्ञ संबंधी अश्व हमारे राज्य की सीमा में आ पहुंचा है। यह जानकर त्रिगर्त वीर कवच आदि से सुसज्जित हो पीठ पर तरकस बांधे, अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर निकले और उस अश्व को चारों ओर से घेरकर पकड़ने का उद्योग करने लगे। अर्जुन उनके मन का भाव समझ गए और उन्हें शांति पूर्वक समझा बुझाकर रोकने लगे, किंतु त्रिगर्तों ने उनके वचनों की अवहेलना करके उनके ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने बारंबार मना किया और हंसते हंसते कहा, पापियों लौट जाओ, जीवन की रक्षा में ही तुम्हारा कल्याण है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि चलते समय युधिष्ठिर ने यह कहकर मना कर दिया था कि जिन राजाओं के भाई बंधु कुरुक्षेत्र की लड़ाई में मारे गए हैं, उनका वध नहीं करना चाहिए। धर्मराज की इस आज्ञा को मान करके ही अर्जुन ने त्रिगर्तों को लौट जाने की आज्ञा दी, तथापि वे लौटने को तैयार न हुए। तब त्रिगर्त राज सूर्यवर्मा को बाण समूहों से बींधकर अर्जुन हंसने लगे। यह देखकर त्रिगर्त देशीय वीर रथ की घरघराहट और पहियों की आवाज से सारी दिशाओं को गुंजायमान करते हुए धनंजय पर टूट पड़े। सूर्यवर्मा ने अपना हस्त लाघव दिखाते हुए अर्जुन को 100 बाणों का निशाना बनाया तथा उसके अनुयायियों में जो महान धनुर्धर वीर थे, वे भी अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु पांडुनंदन अर्जुन ने अपनी प्रत्यंचा से छोड़े हुए बाणों के द्वारा शत्रुओं के समस्त बाणों को काट डाला। सूर्य वर्मा के परास्त होने पर उसका छोटा भाई केतु वर्मा, जो एक तेजस्वी नव युवक था, अपने भाई के लिए अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। केतु वर्मा को धावा करता देख वीरवर अर्जुन ने उसे तीखे तीरों से मार डाला। उसके मारे जाने पर धृतवर्मा रथ पर सवार हो शीघ्र ही आ धमका और अर्जुन पर बाणों की झड़ी लगाने लगा। धृतवर्मा अभी बालक था, तो भी उसकी ऐसी फुर्ती देख महातेजस्वी अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। केवल उसकी बाण वर्षा ही उनकी दृष्टि में पड़ती थी। उन्होंने संग्राम भूमि में थोड़ी देर तक मन ही मन धृतवर्मा की प्रशंसा की और युद्ध में उसका हौसला बढ़ाने लगे। यद्यपि धृतवर्मा सांप के समान क्रोध में भरा हुआ था, तथापि अर्जुन प्रेम के साथ हंसकर बचा जाते थे। उन्होंने उसके प्राण नहीं लिए। इस प्रकार अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा जानबूझकर छोड़ दिए जाने पर धृतवर्मा ने उनके ऊपर एक अत्यंत प्रज्वलित बाण चलाया। उससे अर्जुन के हाथ में बड़ी चोट आई, अर्जुन को चक्कर आ गया और उनका धनुष हाथ से छूटकर जमीन पर जा पड़ा। अर्जुन ने अपने हाथ का रक्त पोंछ डाला और क्रोध में भरकर धनुष हाथ में लेकर बाणों की वर्षा आरंभ की। तब त्रिगर्त देशीय योद्धाओं ने चारों ओर से आकर अर्जुन को घेर लिया। यह देखकर अर्जुन ने वज्र के समान लोहमय बाणों की वर्षा करके उनके योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। इधर अर्जुन ने जोर-जोर से हंसकर उन्हें सर्पाकार बाणों से मारना आरंभ कर दिया। उनके बाणों से पीड़ित होकर त्रिगर्त महारथियों की हिम्मत टूट गई और वे चारों दिशाओं को भाग चले। कितनों ही ने भयभीत होकर अर्जुन से कहा, पार्थ हम सब तुम्हारे आज्ञाकारी सेवक हैं और सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे। कौरव नंदन हम विनीत दास की भांति तुम्हारे सामने खड़े हैं, आज्ञा दो कौन सा कार्य करें। हम तुम्हारे समस्त प्रिय कार्य करने को तैयार हैं। उनकी ये बातें सुनकर
अर्जुन ने कहा, राजाओं, यदि जीवन की रक्षा चाहते हो, तो हमारा शासन स्वीकार करो। प्राग ज्योतिषपुर में वज्रदत्त के साथ अर्जुन का युद्ध और वज्रदत्त की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद यज्ञ का घोड़ा प्राग ज्योतिषपुर के पास आकर विचरने लगा। वहां भगदत्त का पुत्र वज्रदत्त राज्य करता था। उसने जब सुना कि पांडवों का घोड़ा मेरे राज्य की सीमा में आ गया है, तो नगर से बाहर निकलकर उस घोड़े को पकड़ लिया और उसे साथ लेकर नगर की ओर लौटने लगा। यह देख अर्जुन ने धनुष की टंकार देते हुए सहसा उस पर धावा किया। गांडीव से छूटे हुए बाणों के प्रहार से व्याकुल होकर राजा वज्रदत्त ने घोड़े को तो छोड़ दिया और स्वयं नगर में प्रवेश करके कवच आदि से सुसज्जित हो विशाल गजराज पर सवार होकर वह युद्ध के लिए बाहर निकला। महारथी अर्जुन के पास आकर मूर्खता के कारण उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। वज्रदत्त ने कुपित होकर हाथी को अर्जुन की ओर बढ़ाया। राजा के अंकुश की चोट खाकर वह महाबली गजराज जब आगे की ओर झपटा, तो ऐसा जान पड़ा मानो वह आकाश में उड़ जाना चाहता है। वज्रदत्त को इस प्रकार आक्रमण करता देख अर्जुन क्रोध में भर गए और पैदल होने पर भी हाथी पर बैठे हुए वज्रदत्त से युद्ध करने लगे। अर्जुन ने गांडीव धनुष द्वारा बहुत से बाण छोड़कर आकाश में ही एक-एक तोमर के दो-दो, तीन-तीन टुकड़े कर डाले। यह देख वज्रदत्त अर्जुन के ऊपर लगातार बाणों की वर्षा करने लगा। तब अर्जुन ने भी बड़ी फुर्ती के साथ वज्रदत्त को अपने बाणों का निशाना बनाया। उन बाणों की चोट खाकर वह बहुत घायल हो गया और हाथी की पीठ से जमीन पर जा पड़ा, किंतु इतने पर भी वह बेहोश नहीं हुआ। तदनंतर वज्रदत्त पुनः हाथी पर सवार हो धैर्य के साथ युद्ध में डट गया और अर्जुन को परास्त करने के विचार से फिर हाथी को उनकी ओर बढ़ाया। यह देख अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो उठे और उन्होंने हाथी के ऊपर अपने तेजस्वी बाणों का प्रहार किया। उनकी चोट से उस महान गजराज के शरीर में घाव हो गया और खून की धारा बहने लगी। उस समय वह गेरू मिले हुए जल की धारा बहाने वाले अनेकों झरनों से युक्त पहाड़ के समान जान पड़ता था। इस प्रकार अर्जुन का राजा वज्रदत्त के साथ 3 दिनों तक युद्ध होता रहा। चौथे दिन महाबली वज्रदत्त ने अट्ठास करके कहा, अर्जुन खड़ा तो रह, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिता भगदत्त तेरे पिता के मित्र थे, तो भी तूने उनकी हत्या की। वे बूढ़े थे, इसलिए तू उन्हें मारने में सफल हो सका है। मेरे साथ युद्ध कर। यों कहकर क्रोध में भरे हुए वज्रदत्त ने पुनः अर्जुन की ओर अपना हाथी बढ़ाया। स्वामी का इशारा पाकर वह गजराज तुरंत महारथी अर्जुन के पास जा पहुंचा। यह देखकर भी वे भयभीत नहीं हुए, बल्कि पहले के वैर का स्मरण करके अत्यंत क्रोध में भर गए। फिर बाणों की वर्षा करके उन्होंने वज्रदत्त के हाथी को इस तरह रोक दिया जैसे किनारे की भूमि समुद्र के वेग को रोक देती है। अपने हाथी को रुका हुआ देख भगदत्त कुमार क्रोधित हो उठा और उसने अर्जुन पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। यह देख अर्जुन ने उस हाथी के ऊपर अग्नि के समान तेजस्वी नाराज का प्रहार किया। उससे हाथी के मर्म स्थान में बड़ी भारी चोट पहुंची और वह पर्वत की भांति सहसा जमीन पर डह पड़ा। उसके साथ ही वज्रदत्त भी नीचे आ गया। उसे भूमि पर पड़े देख पांडुनंदन अर्जुन ने कहा, राजन तुम डरो मत। आते समय मुझसे महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने कह दिया था कि धनंजय तुम किसी भी राजा का वध न करना और युद्ध ठान कर योद्धाओं के प्राण न लेना। मार्ग में जो राजा मिले
उन्हें निमंत्रण देते हुए कहना, आप लोग अपने इष्ट मित्रों के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में पधारकर वहां के उत्सव में भाग लें। भाई की यह आज्ञा स्वीकार करके मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। अब तुम्हें कोई भय नहीं है। उठो और कुशल पूर्वक अपने घर को जाओ। आगामी चैत्र की पूर्णिमा को धर्मराज का अश्वमेध यज्ञ आरंभ होगा। उस समय तुम उसमें अवश्य पधारना। अर्जुन के ऐसा कहने पर उनके द्वारा परास्त हुए भगदत्त कुमार वज्रदत्त ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा।